मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ज्ञान। तो यहाँ पे आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बोट के तरफ से आने वाला बोट रॉकर्स वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, जो कि अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं और ये खासकर गेमर्स लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे गेम को थोड़ा लैग फ्री करने के लिए, यहाँ पे जो अगर हम कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन को यूज करते हैं तो हम गेम को प्ले करते हैं तो कम से कम 5 सेकंड्स के गैप मिलते हैं साउंड में, तो यहाँ पे ये खासकर गेमर्स लोग के लिए बनाया गया। यहाँ पे आप ज्यादातर आप इसको रनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, इसमें वाटरप्रूफ को भी लेके बहुत ध्यान रखा गया है, यहाँ पे चार्जिंग को लेकर बहुत ध्यान रखा गया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इसी वीडियो को और फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर बात करें इस ब्लूटूथ की तो यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है एज इन द गेम, यानी ये आपको गेमर्स लोगों के लिए भी, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया यहाँ पे आपको गेमर्स लोगों के लिए भी ये ब्लूटूथ हेडफोन होने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है रॉकर्स वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, जिसका कोड है 238 और इसका एक ओल्ड वर्जन है जो था 235। तो ये इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है 238। यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट की गई है इसके अंदर। अगर पुराने वर्जन की बात की जाए तो आपको 1200 से 1300 रुपये में मिल जाता है, बट अगर इसकी रियल प्राइस की बात की जाए तो मैं आपको सबसे पहले इसका रियल प्राइस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2990 रुपये, यानी कि ये आपको इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको 2990 रुपये इसकी रियल प्राइस है, बट हमने इसको मात्र 1800 रुपये में परचेस किया है। तो यहाँ पे अगर इसके कुछ फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैग्नेट सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे बड्स के बगल में आपके दोनों बड्स को चिपक जाता है कुछ, अगर आप जैसे आप कान से निकालते हो तो। और उसके बाद में अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने वाटरप्रूफ को लेकर बोला था, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है IPX5 वाटरप्रूफ रेजिस्टेंट। यहाँ पे आपका ये हेडफोन आपका एक वाटर रेजिस्टेंट है, आप इसको पानी में भी डाल के रख सकते हो, इसमें आपका एक बूंद पानी जाने वाला है नहीं। और यहाँ पर अगर इसकी ब्लूटूथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, कॉलिंग वाइब्रेटर मोटर मिल जाता है, जैसे कि अगर आपका कोई कॉल आ रहा है तो जैसा आपका फोन वाइब्रेट करता है वैसा ही आपका बैंड भी वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे जो आपको छोटा सा जहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं उस जगह पे। यहाँ पे आपको डायनेमिक वॉल्यूम मिल जाता है और यहाँ पे आप वन क्लिक में आप अपने गूगल असिस्टेंट को भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इसकी कंटिन्यू प्लेबैक की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसको फुल चार्ज करने के बाद आप इसको कंटिन्यू 8 घंटे प्लेबैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करना सिर्फ वीडियो को। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बतानी है कि यहाँ पे आप इसको 20 मिनट चार्ज करके आप इसको कंटिन्यू 4 घंटे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया, लो भाई सबसे पहले आ गया चेन्नई सुपर किंग MS धोनी। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पेपर वर्क मिल जाता है, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, IPL का टाइम चल रहा है, ये सब तो देना बनता है। और यहाँ पे बहुत सारे बूट के नए नए डिवाइस भी दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा है, एक पेपर में सारी चीज़ें कर दी है। बट सबसे अच्छा ये वाला बड्स है, ये बड्स मेरे पास खुद के पास है, ये आपका एक पावर बैंक का भी काम करता है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रबड़ के बड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर आपका कान में अगर आपका फिट नहीं होता तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और साथ में आपको USB 2 माइक्रो USB मिल जाता है जो कि आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा है कि आपको मिल रहा है, पर रेडमी में आपको कुछ भी नहीं मिलता था। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लूटूथ एयरफोन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं प्लस माइनस स्टॉप एंड पावर ऑन ऑफ, और ऊपर आपको एक जो छोटा सा ये बिंदी सा मिल रहा है ये आपका नोटिफिकेशन लाइट है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारा चार्जिंग हमारा यहाँ पर लगता है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमको इसमें मिल जाता है। बहुत टाइट है इसलिए वाटर रजिस्टर्ड इसको रखा गया है, जब हाथ से नहीं निकल रहा तो पानी कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे मेहनत करने के बाद ये निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट था,
इसी वजह से ये इसको वाटर रजिस्टर बनाता है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर पानी नहीं जाएगा तो अंदर तक पानी पहुँच नहीं सकता। तो जैसा कि मैंने आपको मैग्नेट बताया था, ये रहा वो मैग्नेट। और एक और चीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक लगी हुई है ताकि ये गंदा ना हो जाए, जैसे अगर आज जैसे क्लिक होता है चिपक जाता है तो यहाँ पे जो डस्ट रहते हैं वो इस पे जाके बैठ जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका ये जो प्लास्टिक है ये आप ना ही निकालो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप जैसे इसको निकाल दोगे तो छोटे छोटे डस्ट है वो इस पे जाके चिपक जाएंगे, फिर वो जल्दी निकलने वाले है नहीं, उसके बाद यहाँ पे घस के इसके पूरे कलर निकल जाते हैं। तो मेरा सजेशन लोगे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, चलेगा काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे गंदगी नहीं लगने वाली है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका ब्लू कलर काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग इसको पहले फटाफट कनेक्ट करते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। तो हम लोग इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मैंने इसको कनेक्ट किया था, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिवाइस है वो चालू हो चुका है। हम लोग इसको फटाफट कनेक्ट करते हैं और ये हमारे फ़ोन में कनेक्ट भी हो गया है। तो फटाफट कनेक्ट भी हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अभी हम इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं इसकी साउंड कैसे निकल कर आती है। आज मैंने मेरा माइक यूज़ नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम धोखा मिल गया था, हमारा माइक वर्क ही नहीं किया था, तो आज हम लोग बड से काम चला रहे हैं। तो मैं एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ और इसकी साउंड आपको सुनाता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसी साउंड मिलती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा ही साउंड में सुनाऊंगा, जो कि खुद का मेरा ट्रांस है जो मैंने खुद के यूट्यूब वीडियो के लिए बनाया था, क्योंकि अगर दूसरा हम कोई यूज़ करते तो मालूम है ना कॉपीराइट लग जाता है, तो हमको कॉपीराइट लेना नहीं है। तो अगर इसकी फुल वॉल्यूम मैक्स कर दूँ तो अब मैं इसको मेरे बड्स के पास लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे साउंड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि ये जो मेरा बड्स है कान से निकलने बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर साउंड कैप्चर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो क्या कर ही सकते हैं। तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए मेरे बड्स को रख दिया हूँ, आई होप साउंड जो है वो कैप्चर हो रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा सॉन्ग प्ले हो गया था तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका बेस की बात की जाए, जो इसके पहले वाले वर्जन थे उसमें थोड़ा सा बेस का इशू था, थोड़े बेस कम आ रहे थे, बट इसमें बहुत कवरेट किया है इन लोगों ने, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस बोट एयरफोन की तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर अपग्रेड किया है, बट ये है कि इसकी थोड़ी जो प्राइस है वो थोड़ी कॉस्टली रखी है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो इसके पहले मैंने अनबॉक्स किया था रेडमी का सोनिक बेस वायरलेस ब्लूटूथ हेड ईयरफोन, तो ये कुछ उसी तरीके से है, उससे कंपटीशन में है, बट उससे उतना खास नहीं जितना वो था है। वो नाम है, ब्रांड है, अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो। ये 1800 में लिया, वो 1400 रुपये में लिया था, 400 का फ़र्क है, बट कंपेरिजन करने जाओगे तो दोनों एक बराबर है, बट थोड़ा बहुत साउंड के मामले में रेडमी आगे निकल जाता है और इसका बेस थोड़ा सा अच्छा है, बस सिर्फ इतनी सी इम्प्रूवमेंट की गई है। वहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेस अच्छा मिलता है, बट यहाँ पे इसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता था, या तो इसको लेके ही ना आते तो अच्छा रहता, कुछ नया लेकर आते डिफरेंट, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो इसके पहले जैसी ही एकदम डिटो कॉपी है। यहाँ पे अगर आप किसको बोल के भी बता दो कि हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन है, सामने वाला वैसे भी नहीं मानेगा जब तक आप उसको ये नाम ना दिखा दो जो इसका कोड बढ़े है। पूरा सेम, बट यहाँ पे थोड़ी सी कोड को चेंज किया गया है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसको परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी महाराष्ट्र में तो ऑनलाइन डिलीवरी फिलहाल तो सारी की सारी बंद है। अगर आप इसको गोरेगांव में परचेस करना है तो जहाँ से हमने परचेस किया है मैं उनका नंबर डाल दूंगा, शॉप नंबर डाल दूंगा, तो अगर आप गोरेगांव में रहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो, और अगर आप अदर जगह रहते हो तो आपके आसपास जहाँ पे भी स्टोर होंगे वहाँ पे आप एक बार ज़रूर देख लेना।
तो ऑनलाइन अगर आप इसको परचेज करें तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके एक बार चेक कर लेना अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो तो। क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया, यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्ट सारी चीजें बंद कर दी गई है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जल्दी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको परचेज करना है तो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, तो काफी बेटर रहेगा। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको पहन के दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसा देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेरे बड्स को निकाल लिया है, अब मैं इसको लगा लेता हूँ। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने अभी इसको यूज किया तो काफी अच्छा तरीके से यहाँ पे बैठ जाता है, काफी अच्छा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, ये हम लोग साथ में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है, काफी अच्छे तरीके से कान के अंदर ये बैठ गया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है, काफी अच्छा है। खाली यही है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था। ये है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वन क्लिक असिस्टेंट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बट यहाँ पे इनको साउंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, वो काफी अच्छी होती, फिर भी प्राइस के हिसाब से सही है। बट बॉक्स पे जो प्राइस दिया गया है 2,990 वो कुछ ज्यादा ही है, बट 1,800 में मिला है, काफी अच्छी बात है। बट इसको आप रेडमी से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर इसको परचेस करना है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो जाके एक बार जरूर देख लेना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको सब मिलती रहे। और यहाँ पे बहुत सारी अनबॉक्सिंग आने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी रिव्यू वीडियो आने वाली है, और यहाँ पे हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का जो वीडियो आने वाला था वो उसकी अभी तैयारी चल रही है। तो अभी के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं नए अनबॉक्सिंग और नए रिव्यू के साथ।